कि यार उनके फैमिली का जो मैटर है ना, उसमें कायदा ये बोलता है कि किसी को नहीं बोलना चाहिए, और इसीलिए मैंने भी अपने वीडियो में भी देखा होगा कि यार फैमिली में डिस्प्यूट्स होते हैं, और हमें मतलब पूरी एक सिनेरियो नहीं पता होता क्या क्या चल रहा है, तो वहाँ बोलना कोई समझदारी नहीं होती किसी की फैमिली मैटर में। आप लोग बोलो कोई कोई भी चीज़, तो मेरा कंसर्न वो फैमिली मैटर को लेकर नहीं है। मेरा कंसर्न ये था कि जब सपना ने घर छोड़ा वो सेफ रहे, क्योंकि वो अब अकेली है, उसके साथ दो बच्चियाँ हैं, फैमिली में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैंने वीडियो में बोला, आई एम नॉट द राइट पर्सन कि मैं उस पर कमेंट करूँ, और वो लोग भी ठीक नहीं है जो उन चीज़ों पर कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, शी इज़ ग्रोन अप, और जो भी उनके परिवार में चल रहा है एक दिन ठीक भी हो जाए सब, मैं तो बस ये प्रे कर रहा हूँ। बट यार अब बात उन लोगों की आती है जो यहाँ पे लाइव आ आ के जो उसको धमकियाँ भिजवा रहे हैं, मारने पीटने की बात, उसको पता नहीं क्या क्या वो लोग बोलते हैं आके। आप लोगों पे ना अभी तक एक भी शायद किसी ने, तो दोस्तों ये है लखन का एक मैसेज सपना के खिलाफ़ जो लाइव आकर बोल रहे हैं और उसे धमकियां दे रहे हैं, उनके लिए उसने वीडियो बनाया है कि वो हो जाए सावधान। भाई जो उसके साथ हुआ है वो उसका फैमिली मैटर है, तो पूरी क्या स्टोरी है ये आपको अगर देखना है जानना है तो मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, और मैं भी ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि आप लोग जो भी गलत करते हो उसके लिए आप लोग सावधान हो जाएं। ये सब कुछ भी मत सोशल मीडिया पर गंद फैलाइए कि हम उसको पकड़वा लेंगे, उसको जान से मरवा देंगे। तो भाई जैसा आप सोचते हो हमेशा वैसा कुछ होता नहीं है, और ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत, क्योंकि अगर उसने एकाधिक एक्शन आपके खिलाफ़ ले ली ना तो फिर बहुत बुरी मुसीबत में आप लोग फंस जाएंगे। और वो बहुत हिम्मत वाली लड़की है, औरत है, तो मानना पड़ेगा उसको कि 3 साल से उसने जो कुछ अपने मन में छुपा के रखा है कैसे छुपा के रखा हुआ है, तो जो उसका भाई है वो उसके साथ में है, ये ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल खूब चर्चा में है स्नैपी गर्ल्स सपना चौधरी, तो सपना चौधरी के बारे में सब जानते हैं, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको मुझे आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे लोग उसके फेवर में हैं और बहुत सारे लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, अब अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ, जो कुछ होना था हो गया, और बहुत सारे लोग हैं उसके अभी भी पीछे पड़े हुए उसको डीमोटिवेट करने के लिए, और उसको काफ़ी धमकियाँ मिल रही हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। जैसा कि आप पहले मेरी इसकी पहले वीडियो में मैंने बताया था कि उसको धमकी मिल रही है जान से मारने की, तो लोग पहले उसको इनडायरेक्टली रूप से दे रहे थे, पर आजकल लाइव आकर जान से मारने की और उठाने की उसको धमकी दे रहे हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, ऐसी गंद मत फैलाइए सोशल मीडिया पर। भाई यहाँ पर आप सब लोग यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, सभी लोग हैं, अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उसकी मदद नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बारे में इतना बुरा मत बोलिए और बुरा गंद मत फैलाइए, और ये सब कुछ ठीक नहीं है जो वो लोग कर रहे हैं। अगर उसने ये बात, हम भी कहना चाहते हैं कि अगर उसने कुछ एक्शन ले दी किसी के खिलाफ तब आप लोग भागते फिरोगे, भाई उसके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये उसका फैमिली मैटर है, पर यहाँ पर कुछ मानने के लिए तेरे को कुछ कुछ लोग तो इतने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, और कुछ कुछ लोग तो वीडियो भी बना रहे हैं उसके खिलाफ और इतना भला बुरा कह रहे हैं, बोले कि सपना ही बुरी है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हैं, कि उसको बोल रहे हैं कि उसके मम्मी पापा नहीं चाहते कि सपना वहाँ रहे, वो तो चली जाएगी, उसके तो 2 बच्चे हैं, अभी कम उम्र है, वो पता नहीं किसी तीसरे के साथ शादी कर लेगी। अरे भाई उसके कैरेक्टर उसको करनी होती तो वो कर लेती, पर यह है कि आप लोग ये सारी गंद मीडिया पर सोशल मीडिया पर मत डालें। अगर आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में एकदम उसके कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ भाई, अब वो घर से अलग हो चुकी है, उसके लाइफ में उसके साथ क्या हुआ सिर्फ वही जान सकती, हम लोग नहीं जान सकते हैं, और उसके फैमिली मैटर में हम लोगों को किसी को भी कोई बोलने का अधिकार नहीं है। उसके घर में और भी लोग हैं जो फैमिली मैटर, उनके रिश्तेदार हैं जो जानते हैं सब सच्चाई क्या है क्या नहीं है, वो लोग खुद ही सोल्व कर लेंगे। एक वो वीडियो, एक ब्लॉग मैंने देखा है, रेनू विथ ब्लॉग विथ रेनू करके इस चैनल का नाम है, तो वो जो लेडी है भैया पूछो मत ऐसे ऐसे वीडियो बना रही है सपना के खिलाफ में, मतलब वो बंदी है जो खुद अपने घर को नहीं देख रही है कि उसने उसके सास ससुर के साथ किया, मैंने उसके सारे वीडियो देखे कि उसने उस सास ससुर को कितना भला बुरा कहा और छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, पर वो सपना के खिलाफ वीडियो बनाने में बिल्कुल भी चूक नहीं रही है। मतलब वो बोल रही है कि सपना क्यों घर छोड़ के चली गई, अब सपना चली गई तो उसको वो औरत वो लेडीज़ जो है इतना मतलब बुरा बोल रही है सपना के बारे में, मतलब सारी वीडियो आप देखिए, वो भी व्यूज़ के लिए बोल रही है, मतलब कि उसके वीडियो पर व्यूज़ आए इसलिए सिर्फ, क्योंकि बाकी जो उसकी वीडियो हैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, पर जब सपना के खिलाफ बोली है या सपना के ऊपर जब भी उसने वीडियो बनाया तो काफ़ी सारे व्यूज़ उसको मिले हैं, तो मुझे लगता शायद उसके कोई रिलेटिव ही है वो, पर ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। जब तुम उसके साथ, अगर तुम्हें इतनी तकलीफ़ है तो चले जाओ भाई उसके माँ बाप के घर, उसके सास ससुर के घर जाके
तुम सेवा कर लो, अपने माँ बाप के सास ससुर की तो तुम सेवा ना कर पाए हो और उसको बोल रहे हो। भाई उसके साथ जब गलत कुछ हुआ है तभी तो वो घर छोड़ के आई है, नहीं तो इतने दिन से तो बनी ही थी घर में सास ससुर को और सभी को, पूरे परिवार को साथ में रहकर चल रही थी। पर जब उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तभी उसको लगा होगा कि मुझे ये कदम उठाना चाहिए, हो सकता है उनके सास ससुर की भी गलती हो। मैं यहाँ पर हो सकता वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि हो सकता हो, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे मौजूद नहीं है कोई भी, पर वो एक फैमिली मैटर है, इसीलिए कह रहे एक फैमिली मैटर है, सिर्फ एक क्या है वहाँ का स्कैनरी है, सिर्फ वही जानते हैं, वो लोग जानते हैं, तो फिर हम लोग कुछ नहीं हो सकते उनके फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होने वाले। तो हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि अगर आपको लगता है कि भाई उनके माँ बाप ठीक हैं या उनको सिंपैथी चाहिए, तो आप उनके बारे में कुछ गलत मत बोलो भाई, उनके माँ बाप के बारे में भी कुछ मत गलत मत बोलो और सपना के बारे में भी कुछ गलत मत बोलो। अगर आप समझा सकते हो, कुछ पॉइंट अपना रख सकते हो, तो आप कमेंट्स कर सकते हो कि हाँ भाई उसे ऐसा करना चाहिए। बस किसी को दुआ दे दो, बद्दुआ मत दो और किसी को गलत मत बोलो। और जहाँ तक सपना है, सपना वो अकेली हो गई है, उसकी दो बच्चियां हैं, तो भाई उसकी सुरक्षा का जिम्मा उसी का है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मतलब वो बोल रही है। अब डायरेक्ट रूप से तो हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते, पर इनडायरेक्ट रूप से कर सकते हैं हम सपना वालों को सपोर्ट। तो भाई जिसको करना है करो, जिसको नहीं करना हो करो, नहीं करो। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं भी एक महिला हूँ और आप सब लोग महिलाएँ हैं, अगर आपको लगता है कि भाई हमें मतलब भले चलो ठीक है किसी पॉइंट पे वो गलत हो सकती है, पर जहाँ उसे ज़रूरत है हम लोग उसे सपोर्ट कर सकते हैं तो करें। तो बस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कोई भी महिला हो, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो या किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे अभी हुआ था कोलकाता, तो उसके ऊपर वीडियो बनाओ भाई। जहाँ पर कोई महिला के साथ गलत हो रहा है वीडियो बनाकर ज़रूर पोस्ट करें। कहीं पे भी आपको ऐसी न्यूज़ सुनने मिलती है या कुछ घटना सुनने को कानों में आती है, तो आप जो भी अपना YouTube पे आपका चैनल चलता है उसके साथ एक वीडियो हर यूट्यूबर हर ब्लॉगर को बनानी चाहिए, ताकि मालूम चले कि हाँ हम लोग इसके प्रति भी जागरूक हैं भाई, इसके प्रति भी आवाज़ उठा सकते हैं जो कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया में हमारे भारत में। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी ऐसे वीडियो बनाए हैं जो सिर्फ मतलब ऐसे हैं कि एक महिला को न्याय मिलना चाहिए, एक मतलब जो लेडीज़ है या औरत है उसके साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है तो भी वीडियो बनाना है, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके विरुद्ध खड़े होकर भी वीडियो बनाना है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सिर्फ़ एक शुरुआत है, पहल है ये। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में।